स्वागत नहीं करोगे हमारा? नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। सो गाइस, आज हमारे श्योर शॉट 10 मार्क्स में आया है वन मोर वेरी रिकमेंडेड एंड आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स इज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, बिकॉज एग्जाम में कहीं ना कहीं ये रेपिटेटिवली आ रहा है एंड देर आर गुड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स विच आर बीइंग आस्क्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। सो आई थॉट चलो इसका भी एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, बट बिफोर दैट प्लीज इंश्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द यूट्यूब चैनल एंड क्लिकिंग द बेल आइकन, बिकॉज इससे रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोज आते रहेंगे। प्लस आई एम ऑल्सो पुटिंग कंटेंट रिलेटेड टू AFM पेपर 2 इन ग्रुप 1 एंड पेपर 6 ऑफ योर IBS। सो स्टे कनेक्टेड एंड डू लाइक द वीडियो, अगर आप लोग को ये सब वीडियोस पसंद आ रहे हैं, शेयर करना विद ऑल योर कलीग्स हु वुड रिक्वायर दिस। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। इसके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन चैनल में, जो मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है, या फिर आपको कमेंट्स बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हो जो नोट्स है जिससे मैं अभी आप लोग को ये पढ़ाने वाला हूँ। ऑलराइट गाइज, एंड इन केस आपको लेक्चर्स ज्वाइन करना है, सो द 80 आवर्स बैच इज डन, 50 आवर्स बैच ऑलमोस्ट डन, सो यू कैन ज्वाइन आइदर ऑफ दैट। webuk.in हमारा वेबसाइट है, वहां से आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो एंजॉय द लेक्चर्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद BBM। BBM, सो एक परफॉर्मेंस पिरामिड अपन लोग ने कर लिया है, अब अपने को आज का टारगेट क्या है। तो अपन लोग ने परफॉर्मेंस पिरामिड किया, सम किया, अब अपन लोग स्टार्ट करेंगे BBM, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का प्रॉपर पूरा थ्योरी करना है, फिर करना है ट्रिपल बॉटम लाइन, तो उससे मेरे सारे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर कंप्लीट। टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में, क्या बोलते हो? डन। सो अब नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट आता है एंड दैट इज कॉल्ड एज BBM, जिसको मैं बोलूंगा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। Hey, समझ गए? चलो अब ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल यूज होता है सर्विस इंडस्ट्री में, एंड आपको पता है कौन सी कंट्री इसको सबसे ज्यादा यूज करती है? कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया, नाम तो सुना होगा, राइट? सो ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो इसको मेजरली यूज करते हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट मेजरली इसको यूज करते हैं, एंड दो बंदे हैं जिनका नाम है फिट्ज़गेराल्ड एंड मून। सो कौन यूज करता है इसको? इसको यूज करते हैं सर्विस इंडस्ट्री, को डेवलप किया था फिट्ज़गेराल्ड एंड मून ने, नाम है इनका, एंड मून कौन यूज कर रहा है इसको? क्या बोले सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। अब आओ बुक पे आ जाओ, आपको कुछ ये Fitzgerald and Moon, नाम तो सुना होगा, अभी मैंने जो बताया आपको, proposed a building block model which suggests the solution for performance measure and problems in service industries. It can be applied to other manufacturing and retail business to evaluate business performance. और ये जो आपको इधर अंगूर के गुच्छे दिख रहे हैं, बस ये अंगूर के गुच्छे ही आपको खाने हैं। कैसे? जैसे आपको परफॉर्मेंस पिरामिड में मैंने प्रॉमिस किया था, और जैसा मैंने बोला था मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो मैं आपको वापस से प्रॉमिस करता हूं दैट Give me 15 minutes and ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, ये वादा है। चलिए मेरा समय शुरू होता है अब। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास है एक बहुत ही अच्छा वाला एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन योर लाइफ। क्या बात कर रहे हैं सर? यस, विच इज बेस्ड ऑन द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। क्या अपन सब में आर्टिकलशिप की है? द आंसर इज यस। नाउ इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, आर्टिकलशिप इज नथिंग बट रिलेटेड टू द सर्विस इंडस्ट्री। रिलेटेड किससे? सर्विस इंडस्ट्री से। बस तो मैंने सर्विस इंडस्ट्री के लिए आर्टिकलशिप का एग्जांपल लिया, एंड उस हिसाब से मैं आप लोग को ये पूरा एग्जांपल बताऊंगा, एंड इट विल बी सेट इन योर हेड, ऐसा कि कभी भूलेंगे नहीं। बस एक वादा, जैसे मेरा ये कंप्लीट हो जाए समझा के, दो बार समझाऊंगा एकदम परफेक्टली, दिमाग में लॉजिकली सेट कर दूंगा, उसके बाद आपको पॉज करके मुझे ये खुद से बना के वीडियो या एक फोटो भेज देना है व्हाट्सएप पे, सो दैट फिर कभी आप लोगों को कभी भी इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो मैं कौन सा कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ आई मीन चैप्टर ऑफ BBM, बराबर, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में दो मेजर डिविजन्स हैं, तीन मेजर डिविजन्स हैं। चलो अभी फिलहाल मैं बात करता हूं उसमें सबसे फर्स्ट की, विच इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स, विच इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स। आइए अब सुनो, आप लोग गए आर्टिकलशिप में, ठीक है,
आज की तारीख में तो यार आर्टिकलशिप वाले भले ही ये बनाने वाले बुक बनाने वाले जो है वो एक चार्टर्स है, बट आई डोंट थिंक सो ये कोई भी फॉर्म में यूज होता है। बट मेरे हिसाब से अगर ये हर फॉर्म में यूज होना चाह रहा हो जाए, जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको बीबीएम से कनेक्ट करने वाला हूँ, दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर एवरी आर्टिकल क्लर्क। अगर आज कोई आर्टिकल क्लर्क ऑफिस में कोई भी आर्टिकलशिप के लिए जाता है, देन इन दैट केस सबसे पहला काम है उसको बहुत सारा ट्रेनिंग देना चाहिए, बिकॉज वो तो नया नया इस फील्ड में, उसको थोड़ी ना कुछ ज्यादा आइडिया है। तो आप उसको पहले सबसे पहले ट्रेनिंग दो, और जब आप उसको ट्रेनिंग दो दोगे उसको ऐसा काम दो इनिशियली जो वो इजिली कर पाए। सीधा फर्स्ट डे पे बोलोगे जा चल ट्रायल बैलेंस बना, वाउचिंग वेरिफिकेशन कर दे, सीधा बीआरएस कर दे। अरे रुको जरा, सबर करो भाई, थोड़ा उसको ट्रेनिंग दो, बताओ कि क्या होता है फाइनेंशियल्स। देखो उसने वो भी पढ़ के आया है, बट थियोरेटिकली सब चीजें पढ़ी हुई है, प्रैक्टिकली कैसे फाइनेंशियल दिखते हैं, क्या रोल है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, बेस लेवल पे आर्टिकल का क्या रोल है, उसमें क्या क्या चीजें उसको सीखनी है, पहले कौन सी चीज वो सीखेगा, उसका ट्रेनिंग दो उसको, उसके वो ट्रेनिंग से रिलेटेड दो तीन चीजें करवाओ, तब जाके उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा दैट यस आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री, आई बिलोंग टू दिस फ्रेटर्निटी, एंड दैट इज हाउ द सिस्टमेटिक वे थिंग्स शुड प्रोसीड। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, कंपनी ने एक कुछ स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए। क्या होगा सबसे पहला स्टैंडर्ड? पहला स्टैंडर्ड होगा कि बॉस कंपनी ने देना चाहिए आर्टिकल क्लर्क को ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जैसे ही उसको मिलेगा ही विल बी एबल टू डू द थिंग्स विच आर नाउ अचीवेबल बाई हिम। तो पहला स्टैंडर्ड है कि उसको ट्रेनिंग दो, और उस ट्रेनिंग के बदौलत की वजह से ही विल बी एबल टू अचीव द थिंग्स इन हिज लाइफ विच ही फील्स आर इंपॉर्टेंट। जैसे ही उसने स्टैंडर्ड्स को अचीव किया, हेलो मेरी बात को समझो, जैसे ही उसने स्टैंडर्ड्स को अचीव किया अब उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई चलो मैं वाउचिंग वेरिफिकेशन क्या है समझ गया, मैं उसको अभी कर पा रहा हूँ। बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपन लोग उसको बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना? प्रैक्टिकली नहीं बनाया उसने, उसने ठीक है भाई सब में वो हैंड्स अप डाउन प्लस माइनस करके बनाया, प्रैक्टिकली बनाना है, यहाँ पे वो नहीं चलता, यहाँ पे लॉजिक चलता है बॉस। फिर धीरे धीरे वो लेजर स्क्रूटिनी सीखेगा, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन सीखेगा। सो एक साल उसको इस चीज का ट्रेनिंग देना चाहिए। नेक्स्ट ईयर अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया, अचीवेबल चीजों को समझ लिया, सीख लिया, देन डेफिनेटली 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 नेक्स्ट ईयर उसको एक अच्छे लेवल पे ऐसा काम देना चाहिए जहां पे भी उसने आर्टिकलशिप में अभी जो भी कंपनी के लिए वाउचिंग वेरिफिकेशन बीआरएस एंड फिक्स्ड एसेट्स एंड लेजर स्क्रूटिनी ये सब सीखा, उसी कंपनी का उसको काम देना चाहिए रिलेटेड टू ओनरशिप, रिलेटेड टू ओनरशिप, समझ रहे? तो हाँ भाई चलो मेरा ये काम है, मैं इसको अब मैनेज कर सकता हूं, एक ओनरशिप आ गया मेरे को इन टर्म्स ऑफ वर्क। एंड अगर ये सेट हो गया देन वी शुड एंश्योर दैट अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है ऑल ऑफ दैट वर्क शुड बी इक्वली डिवाइडेड। ऐसा सोचो ना यार कि एक फर्म है जहां पे 10 सेकेंड ईयर आर्टिकल क्लर्क है, 10 सेकेंड ईयर आर्टिकल क्लर्क है, तीन जन सुबह 11 बजे आ रहे हैं, रात को शाम को 4 बजे 5 बजे निकल जा रहे हैं, बोलते हैं सुबह मॉर्निंग सर 7 to 10 क्लास, इवनिंग 6 to 9 क्लास। देर आर 3 to 4 आर्टिकल जो सुबह 7 बजे आ रहे हैं रात को 9 बजे तक जा रहे हैं, कोई और है जो सुबह 11 बजे आ रहा है रात को 8 बजे जा रहा है। तो ये तो यार सब मिसमैनेज चीज हो जाएगी। किसी को सेम सेकेंड ईयर आर्टिकल जिसको सेम स्टाइपेंड मिल रहा है, कोई 10 घंटे काम कर रहा है, कोई 6 घंटे काम कर रहा है, कोई 12 घंटे काम कर रहा है, बहुत ना इंसाफी है। सो ऑब्वियसली दैट विल स्पॉइल द बैलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक बात याद रखना, बुरा बनना बहुत आसान है, अच्छा बनना बहुत मुश्किल है। बड़ी बात कह दी मैंने, है ना? मतलब देखो ना, बुरा बनना इन द सेंस कि यार बस आराम करना है, रोज 10-12 घंटे सोना है, रात को जल्दी सोने जाओ, सुबह को लेट उठो, मस्त में पूरा टाइम नेटफ्लिक्स एंड चिल देखते रहो, टाइम पास करो पूरा टाइम फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, ये सब करना कितना आसान है। बट टू सेक्रीफाइस एंड स्टडी, टू सेक्रीफाइस एंड बी डिसिप्लिन इन योर वर्क, डू एक्सरसाइज रेगुलरली, स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स रेगुलरली, मेक राइटिंग नोट्स, इज डिफिकल्ट। सो ये जो अच्छा है ना, जो 10-12 घंटा काम कर रहा है, वो भी बुरा होना चालू हो जाएगा, वो बोले अरे मैं भी 6 घंटा काम करूंगा, मेरा भी क्लास होता है। सो दैट शुड नॉट हैपन। सो देयर शुड बी इक्विटी ऑफ वर्क, एवरीबॉडी शुड वर्क फॉर से 8 to 9 आवर्स, एंड वो अगर इक्विटी ऑफ वर्क हुआ तो एवरीबॉडी विल फील बैलेंस्ड इन देयर ओवरऑल वर्क सिनेरियो। सो सबसे पहला काम कोई भी एक सीए फॉर्म को, जब आप सीए फॉर्म स्टार्ट करोगे, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, और मुझे जरूर याद करना और बोलना कि सर हमने भी स्टैंडर्ड सेट किया है, सबसे पहला काम है हम उसको ट्रेनिंग देते हैं ऐसी चीज की, ट्रेनिंग विच इज अचीवेबल टू हिम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब ये ट्रेनिंग के हिसाब से अचीवेबल चीज करते जाएगा तब हम उसको एक ओनरशिप देंगे किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट का जिसके ऊपर उसने काम किया है, एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में देर इज इक्विटी ऑफ वर्क सो दैट देर इज नो रॉन्गफुल कंपेरिजन। स्टैंडर्ड सेट हो गया है, अब आते हैं काम के ऊपर। चलो भाई स्टैंडर्ड तो सेट कर लिया है, अब अपन लोग को लगता है कि यार देखते हैं ये लोग काम कितना अच्छा करते हैं। तो किसी का भी काम देखने के लिए देखना पड़ता है हम लोग को कि कुछ फिट्जगेराल्ड एंड मून ने डिटरमाइनिंग फैक्टर दिए हैं जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। उसने बोला कि अगर ये QFIR पॉजिटिव है इस आर्टिकल क्लर्क का,
मतलब उसने अच्छा काम किया है। और ये ऐसा ही कुछ आपको आ सकता है एमसीक्यू में, टेल द विच ऑफ दिस इज नॉट अ डिटरमिनेंट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। तो पहला क्वालिटी आपको लिखेगा वो है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी वो लिखेगा आप बोलोगे है, तीसरा इनोवेशन वो लिखेगा आप बोलोगे है, और आर से कुछ और ही लिख लेगा। द करेक्ट आंसर इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, द करेक्ट आंसर इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। समझ में आ गया क्या आपको? सो मेरे चार डिटरमिनेंट्स है, क्या है वो चार डिटरमिनेंट्स पब्लिक, क्या है वो चार डिटरमिनेंट्स, क्यू एफ आई आर, क्यू एफ आई आर। तो बस ये एक बार स्टैंडर्ड सेट हो गया, फिर वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं वो मेरे को पता चलेगा डिटरमिनेंट्स के थ्रू। सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ वर्क, योर क्वेश्चंस डिटरमाइन योर क्वालिटी, कि कितना अच्छी तरह से आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्लाइंट के बिजनेस को कितना अच्छी तरह से समझ रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ ये सब चीजें कैसे आप लोग प्रॉपरली डिस्कस कर रहे हो कि नहीं, अगर फाइनेंशियल में कोई मिसमैच है या कोई इशूज है, आर यू एस्केलेटिंग इट, उसको टॉप लेवल पे लेके जाके बता रहे हो और उसका सोल्यूशन लेकर आ रहे हो कि नहीं, दैट इज क्वालिटी ऑफ वर्क। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर सेप्टेंबर 30 का आर्टिकलशिप का पीरियड का टाइम है और मेरे को लग रहा है कि यार ड्यू डेट है एंड कंपनी नीड्स माई एक्स्ट्रा वर्क, आई शुड बी रेडी टू बी फ्लेक्सिबल एंड वर्क एक्स्ट्रा। अरे नहीं मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, दैट शुड नॉट बी द एटीट्यूड। थर्ड, इनोवेशन, ट्राई टू ब्रिंग न्यू थिंग्स इन योर वर्क। ऐसा नहीं लास्ट ईयर का क्वेरी शीट लिया, ये बार भी सेम क्वेरी शीट बना दिया और बोल दिया हो गया हम लोग का आर्टिकल, हो गया हम लोग का वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड स्क्रूटनी, दैट शुड नॉट बी द वे। एंड लास्ट इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जितना आप लोग के पास टाइम अवेलेबल है, जितना आप लोग के पास रिसोर्स अवेलेबल है, प्लीज यूटिलाइज दैट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल, प्लीज यूटिलाइज दैट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। तो अगर कोई आर्टिकलशिप मेरे को मिला है, कोई ऑडिट करने को मिला है और मेरे को बोला है 10 दिन है और ये आपके रिसोर्सेज है, ट्राई टू एंश्योर दैट वो 10 दिन में वो प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ मैं उस काम को कंप्लीट कर दू, मैं उस काम को कंप्लीट कर दू। तो अगर ये चार मेरे क्यू एफ आई आर में प्रॉपरली फॉलो कर देता हूं, देन इन दैट केस उसका रिजल्ट मिलेगा मेरे क्लाइंट को, एंड उसका रिजल्ट क्या होगा, दैट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ माई क्लाइंट विल बिकम बेटर। ये अगर मेरा क्यू एफ आई बराबर वो करता है मेरा स्टाफ, तो कैन आई से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस विल गेट बेटर। इस पूरे एस्पेक्ट को बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ बीबीएम। इधर ही नहीं, इसके बाद चलते हैं लास्ट चीज के ऊपर। देखो मैंने इतना अच्छा काम किया कि मेरे क्लाइंट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब नाउ हिज सेल्स विल इंप्रूव, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा हो जाएगा, कॉस्ट अपन कम करने की कोशिश करेंगे, कहीं पे कुछ वेस्ट हो रहा है उसको मिनिमाइज करवा देंगे। सो अगर मैं मेरे क्लाइंट के लिए इतना सब अच्छा करवा रहा हूं, बराबर है, प्लस एट द सेम टाइम कॉम्पिटेटिवली ही विल बिकम गुड, नाउ आई विल बिकम बेटर देन माय कॉम्पिटिटर्स, देन इन दैट केस आई विल आल्सो एक्सपेक्ट सम रिवॉर्ड्स फ्रॉम द कंपनी। यार हर इंसान को रिवॉर्ड तो चाहिए ना, आप सीए का डिग्री क्यों कर रहे हो, आपको एक रिवॉर्ड चाहिए के बॉस मैं सीए बन जाऊंगा तो मेरे को कुछ प्रेस्टीज है, मेरा मार्केट में एक रिस्पेक्ट है, और एट द सेम टाइम एक जॉब मिलेगा मुझे, 1 लाख रुपए महीने का देगा। जब मेरा ये 1 लाख रुपए का जॉब, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल मोटिवेशन, प्रेस्टीज इन द मार्केट, रिकॉग्निशन, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, जब ये दोनों मोटिवेशन मिलते हैं ना उसके लिए मैं एक काम कर रहा हूं, तो वैसे ही हमारा जो स्टाफ है, जो हमारा आर्टिकल क्लर्क है, उसको भी रेगुलर बेसिस पे चाहिए क्या मोटिवेशन। इट कुड बी मॉनिटरी ऑल्सो, इट कुड बी नॉन मॉनिटरी ऑल्सो, परवाह नहीं, बट यस यू हैव टू टेक केयर ऑफ मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स फॉर आवर आर्टिकल क्लर्क। उसको दो, जो आपका स्टाफ है उसको दो, मोटिवेट करो उसको, मॉनिटरीली नॉन मॉनिटरीली कुछ भी चलेगा, बट डू इट, डू इट। फिर बाद में एक बार अगर आपने मोटिवेशन दे दिया उसको, देन देयर शुड बी क्लियर कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या पॉलिसीज है, काम बराबर कैसे करना है, कब आपको बोनस मिलेगा, कब हॉलीडेज मिलेगी, देयर शुड बी क्लियर कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट है दैट ऑल द थिंग्स शुड बी कंट्रोलेबल, सो देयर हैज टू बी अ कंट्रोलेबिलिटी फैक्टर, देयर हैज टू बी अ कंट्रोलेबिलिटी फैक्टर। कंट्रोलेबिलिटी फैक्टर के बारे में आप लोगों को कुछ बता रहा हूं, ध्यान से समझना। नाउ When आप जब किसी मैनेजर को कुछ काम दोगे तो आप उसको बोलोगे भाई तू क्या लग रहा है, देखो अगर मैंने ये काम दिया तो कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएगा या फिर क्या कॉस्ट लगेगा। अब ऐसा ही कुछ हम लोग के से डिपार्टमेंट में हुआ, एक मैनेजर है, परचेस मैनेजर है, परचेस मैनेजर को बोला कि भाई सुन मेरे को ये कैलकुलेटर बनाना है, उसके लिए मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए प्लास्टिक, मेरे को ये क्वालिटी का प्लास्टिक चाहिए, चल तू लेकर आ। अब वो बंदा बोला कि ठीक है मैं लेकर आ जाऊंगा, बट इसका एक बजट है, एंड द बजट इज, और आज नहीं चाहिए था हम लोगों को, 6 महीने के बाद चाहिए था। उसने बोला कि सर बजट आएगा कि सर 25 रुपीज पर किलो प्लास्टिक का आएगा, बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो उसने ये बोला। अब हुआ क्या, ग्लोबली
क्रूड ऑयल प्राइसेस, वर वेरी हाई, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, जिसकी वजह से बाकी जो चीजें, बाकी जो रॉ मटेरियल है उसका भी कॉस्ट बढ़ गया। और ये जो रॉ मटेरियल वो लेकर आने वाला था मेरा परचेज मैनेजर, 25 की जगह अभी वो 35 रुपीज में लेकर आया। बोलो, मैं उसके ऊपर गुस्सा हो गया। मैं बोला, ये क्या बात हुई यार, तूने 25 बोला था, हाउ कैन यू गेट इट इन 35, आई विल कट फ्रॉम योर सैलरी। उसने बोला, सर ऐसा मत कीजिए, बिकॉज सर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ा है उसकी वजह से हुआ है सर, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। सर आप मुझे पनिश कीजिए मेरे कंट्रोलेबिलिटी फैक्टर के लिए, अगर मैं बराबर कोई चीज पे निगोशिएट नहीं कर पाया देन इट इज इन माई कंट्रोल, बट आई कुडंट डू माई वर्क प्रॉपरली। सर उसके लिए आप मुझे जिम्मेवार ठहराइए, चलेगा, बट ओनली फॉर कंट्रोलेबल थिंग्स सर, थिंग्स फॉर विच आई एम नो कंट्रोल, सो प्लीज डोंट गिव माई रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन दैट। एंड दैट इज वेयर मेरा रिवॉर्ड्स का सिस्टम वॉज इवॉल्व, रिवॉर्ड्स का सिस्टम वॉज इवॉल्व। समझ में आया, बस बन गया ये क्या, ये देखो अंगूर के गुच्छे बन गए। यस, स्टैंडर्ड्स, डायमेंशंस, रिवॉर्ड्स, इसी स्टैंडर्ड के अंदर तीन चीजें चाहिए, अचीवेबल, ओनरशिप, इक्विटी। फिर कैसा काम कर रहे हैं वो डिटरमाइन करने के लिए QFIR, क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अगर ये सब बराबर किया देन वी विल बी एबल टू गिव द रिजल्ट्स डिजायर्ड बाय माय क्लाइंट्स, व्हिच विल इंश्योर हिज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस बिकम्स बेटर, एंड इवेंचुअली ही एक्सपेक्ट सम रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, क्लियर कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलेबिलिटी। ए समझी गुडू। अब अभी तो मैंने बोला नहीं है बनाने को, रुक जाओ, अभी एक बार अपन साथ में वापस से बनाएंगे एंड देन फिर बाद में द बॉल विल डेफिनेटली बी इन योर कोर्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं बना रहा हूं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का पूरा ये सिस्टम, विच इज डिवाइडेड मेजरली इन टू थ्री पार्ट। हेलो, तीन पार्ट में डिवाइडेड है ना ये। क्या सबसे पहला है स्टैंडर्ड्स, बराबर, तीन स्टैंडर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है अचीवेबल होना चाहिए मेरा स्टैंडर्ड, सो ऐसा ट्रेनिंग दो कि स्टैंडर्ड्स आर अचीवेबल, स्टैंडर्ड्स आर अचीवेबल। अगर ये स्टैंडर्ड हम लोग ने अचीव कर लिया, अगर ये स्टैंडर्ड हम लोग ने अचीव कर लिया देन इन दैट केस द नेक्स्ट इन लाइन विल बी गिविंग यू ओनरशिप, सो सेकंड इज ओनरशिप एंड देन एंश्योर दैट देयर इज इक्वालिटी ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये हुआ मेरा फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ बीबीएम। सेकेंड एस्पेक्ट में आता है मेरा डायमेंशन। इस डायमेंशन को डिवाइड किया है दो पार्ट में कि भाई कैसा काम चल रहा है वो डिटरमाइन करने के लिए कुछ डिटरमिनेंट्स चाहिए एंड उसके बेसिस पे पता चलेगा कि क्या रिजल्ट्स आने वाला है। डिटरमिनेंट्स आई हैव डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, QFIR। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, भाई लेट काम करने कभी कभी जरूरत पड़े तो बी रेडी फॉर इट। आई स्टैंड्स फॉर इनोवेशन एंड आर स्टैंड्स फॉर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसकी वजह से क्या रिजल्ट्स आएगा, इसकी वजह से क्या रिजल्ट्स आएगा, माय फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड माय कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस विल बिकम वेरी नाइस एंड इवेंचुअली इवेंचुअली मेरे को अगर ये अच्छा ये लोग का परफॉर्मेंस रहा, रिजल्ट्स मिला जैसा चाहिए था, देन आई विल रिवॉर्ड देम इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन एंड ऑल्सो एंश्योर कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में देर इज क्लियर कम्युनिकेशन। एट द सेम टाइम द मैनेजर्स विल बी रिवॉर्डेड बेस्ड ओनली ऑन द कंट्रोलेबिलिटी फैक्टर्स। हे समझ गए, बस ये सब मिला के बनता है मेरा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। क्या क्या है इसमें, स्टैंडर्ड्स, डायमेंशन, रिजल्ट्स। स्टैंडर्ड्स में है तीन चीजें, ट्रेनिंग करके अचीवेबल काम करवाओ, जैसे ही वो अचीवेबल काम हो गया फिर बाद में उसको बोलो ओनरशिप ले ले, इक्विटी मैं इंश्योर करूंगा ऑर्गेनाइजेशन में है। फिर बाद में आ जाता है डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन में दो मेरे पास एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है डिटरमिनेंट्स, QFIR, क्वालिटी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। उसका रिजल्ट क्या आएगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विल बी गुड, कॉम्पिटेटिव विल बी परफॉर्मेंस विल बी गुड, इवेंचुअली आई विल गेट द रिवॉर्ड दैट आई वांट, व्हाट इज आई विल गिव द रिवॉर्ड दैट आई वांट, दैट द एम्प्लॉय वांट्स, एंड दैट इज रिलेटेड टू मोटिवेशन, क्लियर कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलेबिलिटी। वंस ऑल दिस कम्स टुगेदर मैं बोल दूंगा दैट यस बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज अचीव्ड। हे समझ गए एवरीबॉडी, करेक्ट। सो ये है मेरा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। अब समझ गए, करेक्ट। अब आपको करना है क्या, पॉज करना है वीडियो को और फटाफट ये पूरा जो मैंने बनाया है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आपको बनाना है। फोटो का वेट कर रहा हूं मैं, तो खींच मेरी फोटो और भेज मुझे, फोटो खींच के भेज मुझे, लेट मी गो थ्रू इट दैट यस इफ इट इज परफेक्ट एंड करेक्ट देन दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आओ चलते हैं अब इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर। लेट्स रीड द थियोरेटिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस।
सबसे पहला चीज है रिलेटेड टू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सेट करो, कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, शुड बी रियलिस्टिक। सीधा फर्स्ट डे पे बोलोगे यार लेजर स्क्रूटिनी जाके कर, यार क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। सो गिव थिंग्स विच आर अचीवेबल, रियलिस्टिक टारगेट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल। एम्प्लॉय अगर इम्पॉसिबल टारगेट दिया उसको सीधा फर्स्ट डे पे बोला और फिर बाद में गुस्सा किया, फर्स्ट डे पे बोला चलो लेजर स्क्रूटिनी और फिर वो नहीं कर पाया बराबर से, फिर आप उसको गुस्सा करेंगे, दैट विल स्पॉइल द होल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो गिव हिम थिंग्स विच आर अचीवेबल, अगर वो अचीवेबल काम अच्छा किया गिव हिम ओनरशिप, एंड एम्प्लॉय शुड बी इन्वॉल्व इन प्रोसेस रादर देन बीइंग इम्पोज्ड। अब वो खुद सामने से बोलेगा यार चलो मेरे को ये काम करना है, अच्छा लगा। फिर देयर शुड बी इक्विटी, इक्वली चैलेंजिंग फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ बिजनेस। फिर मेरे को चेक करना है भाई कैसा काम कर रहे हो तुम लोग, तो डायमेंशन क्या है उसके, तो दो, डिटर्मिनेंट्स एंड रिजल्ट्स, क्वालिटी एबिलिटी टू डिलीवर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली, फ्लेक्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज इन फैक्टर मार्केट के हिसाब से, टू बी फ्लेक्सिबल, जैसा जैसा जरूरत है उस हिसाब से आप अपना काम करो। इनोवेशन, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्स है उसमें ट्राई टू अचीव द बेस्ट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अगर ये किया, मजाक नहीं कर रहा हूं, आपका रिजल्ट मिल जाएगा आपको रिलेटेड टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिलेटेड टू कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जैसे कि आप अचीव कर पाओगे आपका सेल्स टारगेट, कॉस्ट, आरओआई, प्रॉफिट जो आप लोगों को चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो चाहिए, यू विल बी एबल टू अचीव। कॉम्पिटेटिव परफॉर्मेंस, कैसा मैं हूं इन टर्म्स ऑफ माय कॉम्पिटिटर्स, और वेदर आई एम ऑफरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ हाई क्वालिटी और नॉट। ये सब होने के बाद फाइनली 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 द रिवॉर्ड्स टाइम, रिवॉर्ड देम थ्रू मोटिवेशन सेट इन मैनर विच मोटिवेट्स एम्प्लॉइज टू अचीव बिजनेस गोल्स। क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन एंड देयर शुड बी कंट्रोलेबिलिटी। तो रिवॉर्ड या पेनल्टी जो देना है दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। रिवॉर्ड और पेनलाइज ऑफ रिजल्ट ओवर विच दे हैव कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, उसके ऊपर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट्स हाउ दिस होल सिस्टम वर्क्स आउट, दैट्स हाउ द होल सिस्टम ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल वर्क्स आउट। क्या आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से पक्का? कभी आपको वापस से रिवाइज करना हो तो आपको खाली ये क्यूआर कोड को स्कैन करना है, मेरा एक पुराना वीडियो मिलेगा आपको जहां पे मैंने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल को समझाया, यू कैन यूज दैट टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है आपको? डन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, विच इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बट उसके पहले प्रैक्टिकल इनसाइट। क्या बोल रहे भाई, वेरिएंट्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आर करंटली यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है, इन रेगुलेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए, गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे वाले, पोस्टल वाले, वाटर सीवरेज वाले, इरीगेशन वाले, पोर्ट वाले, एवरीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया दे आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। क्लियर है आप लोगों को, प्रॉपरली चीजें समझ में आ गई, That's it. Done with building block model. यहाँ पे मैंने ये कुछ छोड़ा हुआ है प्लेन, आई होप आपकी बुक में आपने भर दिया होगा। Okay then, so time for me to say hasta la vista. आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो आई एम श्योर लाइक किया होगा, एंड अगर आपको सब चीज याद हो गई है देन चाहिए तो कमेंट में लिख के बता दो, मुझे व्हाट्सएप करके बता दो तो भी मुझे चलेगा, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू सी इट। और क्या चाहिए आपको, कौन सा लेक्चर, कौन सा चैप्टर, डू लेट मी नो। बाय, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।